आईडी दिखाना पड़ता है, बगैर आईडी दिखाओगे मैं इंटर कर गया हुआ था, है ना। तो ये है पूरा स्पोर्ट कम्प्लेक्स, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। अभी बच्चे ऐसे आते नहीं है, जो भी स्पोर्ट कोटा वाले या नॉर्मल जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं वो अभी आए नहीं हुए, है ना। ये वही मुझे बता रहे थे कि नॉर्मल स्टूडेंट जो है 11 बजे के बाद एंट्री कर सकते हैं। मैं इसको बताया कि हमारा सूट है, तो ये बेचारे परमिशन मांग रहे थे, परमिशन दिखा दिया, फिर उसके बाद जो है आगे अपना जो भी है वीडियोग्राफी वगैरह कर रहे हैं ना। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे मतलब बेसिकली अगर जामिया के सभी कैंपस मतलब कहीं पे भी आप कैमरा निकालते हो तो एक दिक्कत है कि ये परमिशन मांग रही है, फिर उसके बाद आईडी दिखाना पड़ता है। कुछ पार्टिकुलर कोर्सेज में अगर आप हैं तो आपको दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली कोर्सेज वाले बच्चों को क्या करते हैं कि ये दिक्कत करते हैं कि आप मतलब कैमरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो इनसाइड कैंपस आप कैमरा का यूज़ नहीं कर सकते, कई सारे जगहों पे आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाता है। तो आप ये देखिए एक तरीके से ये जो है पूरा स्टेडियम, जो आगे भी स्टेडियम आपको दिखेगा, तो हम लोग जहाँ से देखते दर्शक दरगाह जो है ये है आपका। इस तरीके से आप जाते हैं पूरी टीम वगैरह बैठ के, और इस साइड में जो है अपना पहले तो आपका यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पर दिख रहा होगा, और अगला जो है आई थिंक टेबल टेनिस, नहीं टेनिस कोर्ट है, टेबल टेनिस अंदर है, ये टेनिस कोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारा खेला है हमने, बैडमिंटन खेला, टेनिस कोर्ट में हम ना बैडमिंटन खेलते थे, और ये वाला जो नेट है इसको थोड़ा सा ऊपर करके खेलते थे। अगर इसमें जाने की बात है एक बार देखता हूँ खोल के, है ना। चलो अंदर चलते हैं। ये वाला टेनिस कोर्ट तो आई थिंक बंद है ना, इसमें लॉक लगा हुआ है, इसमें नहीं जा सकते, बट यहाँ वाला जो है ये खुला हुआ है पूरा, तो इसमें जा सकते हैं हम लोग। ये पूरा है, यहाँ से मेट्रो व्यू पूरा आपको पता चलता है। और जो भी प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं वो आते हैं, अपने स्टूडेंट स्पोर्ट कोटा वाले मोस्टली जो है आते हैं, कई सारे लीग चल रहे होते हैं, उनका अपना मैच चल रहा होता है, सारी चीज़ें होती है चलते हैं। बाकी नॉर्मल यहाँ पर मैं देखता हूँ मोस्टली जो है नॉर्मल बच्चे जो है बास्केटबॉल खेलते हैं, यहाँ पर वैसा कुछ भी है नहीं, है ना। तो ड्रेस कोड वाला जो सीन है, जो स्पोर्ट कोटा से होते हैं उनके लिए ड्रेस कोड का सीन है, बाकी नॉर्मल बच्चे जो है यहाँ पर आके खेलते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ ये है कि आप नॉर्मल अगर स्टूडेंट है स्पोर्ट कोटा से नहीं है तो आपकी टाइमिंग जो है अलग हो सकती है ना। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जो है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा करके देखते हैं, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट जो है उनका ये होगा कि आएंगे जब हम कैंपस में तो बहुत मज़े करेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा मसला ये है आपके लिए, है ना। तो टाइम का सबसे बड़ा दिक्कत होगा आपके साथ। और दूसरी बात ये है कि ग्रेजुएशन लेवल पे अब अगर आप है तो आपको तो चलो ठीक है, कई सारे दिन ऐसे होंगे जब क्लासेस नहीं हो रही होगी, आप जाके आ जाएंगे स्पॉट पर इंजॉय कर सकते हैं। बट मोस्टली जो है आपके पास में टाइम बहुत कम होता है। और ये यहाँ पर जो है जिम वाला है पूरा, आप यहाँ पर अपने जिम वगैरह कर सकते हैं। ये मैं अंदर जाऊँगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारा जो शूट है यहीं पर होने वाला है ना, हमारा जो म्यूज़िक वीडियो है इसी के अंदर होने वाला है। आई थिंक यहाँ का भी एक सीन है हमारा, ये पूरा जो है ग्राउंड दिख रहा होगा फील्ड आपको, तो ये पूरा फील्ड आपको दिख रहा होगा क्योंकि वो रहा क्रिकेट के लिए, और इस साइड आपको दिख रहा होगा फुटबॉल के लिए भी, किधर है हाँ वो रहा उस साइड, बाकी फुटबॉल क्रिकेट सब कुछ अपने जो है इसी से होता है। और बड़े बड़े लाइट्स नाइट मैच भी होते हैं, कई सारे ट्रॉफी वगैरह जो होते हैं यहाँ पर, और इंटर स्टेट जो होते हैं उनका भी मैच वगैरह होता रहता है। और दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही है वो हॉस्टल वाले बच्चे हैं अपना खुद से ही खेल रहे हैं, हॉस्टल वाले या नहीं वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उनका, प्रैक्टिस चल रहा है, नेट प्रैक्टिस है ना, नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, नेट वाले हैं। बाकी आपको हो रहा पूरा पवेलियन बैठने के लिए, वो सारी चीज़ें अपना, और अच्छा है मतलब सब कुछ सही है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना जा रहे होंगे ना वर्कआउट करके, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें हैं बेहतरीन है सब कुछ, आप आएंगे तो एक बार देखेंगे। और दूसरा जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा जिम वाला जो एरिया है ना, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से ये देखो आप, अब देखो है ना पूरा मस्त मॉर्निंग व्यू, यहाँ से बहुत मज़ा आता है ना शाम में, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। वो देखो वहाँ पे भाई साहब क्या कर रहे हैं, वर्कआउट चल रहा है उनका जो भी है। और पीछे जो है वो जो बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल है जामिया का डेंटल वाला, और उसके पीछे एमएंस आ रही है,
जो भी हॉस्पिटल वाला है वो सब बिल्डिंग पीछे ही, और उसके पीछे जो है हॉस्टल वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और इस साइड से आपको दिख रहा होगा सेंट्रल कैंटीन है ये, है ना, सेंट्रल कैंटीन दिख रहा होगा। और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट्स वगैरह है, ओल्ड कॉमर्स बिल्डिंग हो गया, वो सारी चीज़ें, पॉलिटेक्निक हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाता है आपको, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओवरऑल जो है मैं अंदर जो है जिम वाले एरिया में ऊपर से चल के एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी गेट खुलेगा नहीं, मुझे पता है 11 बजे के बाद ही वैसे खुलेगा, अगर मैच होगा तब, अदरवाइज नॉर्मल डे में आपको नहीं खुलते हुए दिखेंगे वो सारी चीज़ें जो ऊपर वाले हैं, तो उसको भी कभी ना कभी अपन कवर कर देंगे, दिखा देंगे। और ये देखो इस सामने से मेट्रो जा रही है एकदम मस्त। वैसे जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं अभी तक, मतलब हुआ नहीं है, जितने भी हमारे टीम मेंबर है सब अभी रास्ते में, तो मैं सोचा जब तक कुछ कर लिया जाए ना। चलो ठीक है, अब गेट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर पानी वानी पिया जाएगा, फिर उसके बाद रेस्ट किया जाएगा।